का मेन चैनल पे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत खतरनाक इवेंट के बारे में, तो जो कि है ये एंग्री राम्स। तो ये 5 दिन 18 घंटा, मतलब कि मैंने 3 दिन से खोला नहीं था तो मेरे को ये इवेंट का कुछ पता नहीं था। तो अभी मैंने खोला तो मैंने 5 अटैक किया और ये मिशन को कंप्लीट भी कर दिया। मेरे पास ये था एक ये बूस्टर, ये अब बैरक्स बूस्टर, तो उसको लगा करके मैंने 1 घंटे में, आप देख सकते हैं अटैक लॉग, 1 घंटा 17 मिनट अगो का ये अटैक है। तो आप देखिए 10, 24, 8, 18, 23, मैंने बहुत खतरनाक अटैक किया है। बहुत ही मस्त ट्रूप है ये, आप इसे अटैक कर सकते हैं। और आप अगर सिल्वर में हैं, मेरे को नहीं लगता कोई अगर TH8 में तो सिल्वर लीग में होगा, लेकिन मान लीजिए कि सिल्वर में है तो आप ये क्रिस्टल फर्स्ट में पहुंच सकते हैं, और अगर आप गोल्ड में हैं तो आप गोल्ड 1 में पहुंच सकते हैं, सॉरी गोल्ड में हैं तो आप आते में समय तो क्रिस्टल में तो पहुंच ही जाइएगा, आप उससे ऊपर भी मास्टर लीग में पहुंच सकते हैं, और अगर आपने बहुत अच्छे से किया तो मास्टर फर्स्ट में या सेकंड में पहुंच जाइएगा। तो चलिए मैं आपको रिप्ले दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी जो बारबेरियन किंग है वो थोड़ा सो रहा है, तो अभी मेरे पे अटैक हुआ था, सो दैट्स वाई मैंने ये कर लिया था बहुत अच्छा खासा, लेकिन ये दोनों लोगों ने अटैक करके मेरा धज्जियाँ उड़ा दिया। तो मेरा अभी रेड स्पेल मैंने मैक्स नहीं किया था, मैंने देखा कि यार इतना मस्त चीज़ आया हुआ इवेंट, मेरे पास था 26 लाख उधर ट्रेजरी में, कासल ट्रेजरी में, तो उसे उन्होंने लिया और रेड स्पेल को लगा दिया। सोचा कि अब तो 7 दिन लगेगा यार, अब क्या करें। तो मेरे पास एक बुक ऑफ स्पेल था तो उसको मैंने यूज़ करके मैक्स कर दिया। तो देखिए ये मेरे को 24 वाला आपको दिखाता हूँ, ये ट्वेंटी फोर ट्रॉफीज का अटैक 2 कर दे रहा हूँ। ये देखिए मैंने, मेरे पास 8 ही लूनस थे तो मैंने 8 से अब 12 कर दिया है, क्योंकि 8 कम होता है थोड़ा, तो एक ड्रैगन नहीं रहे तो चलेगा, लेकिन लूंस रहने ज़रूरी हैं। 4 कर देता हूँ तो वो ये वाला एयर डिफेंस बच गया था, जिसके कारण मेरे थोड़े मोड़े ड्रैगन्स मरा गए, और ये इसको भी थोड़ा बच गया था। तो यहाँ पे तो 3 ड्रैगन था तो उन्हें संभाल लिया। 2 ही बार अगर ड्रैगन मार देता है तो मर जाता है। मैंने लून निकला कासल से, फिर मैं डर गया यार कि थोड़ा कम समय बाकी है। अब ये इधर भी एक बिल्डर हॉल है, बिल्डर हॉल नहीं है, जो ये बिल्डर बेस वो बिल्डर हॉल होम उधर भी है। फिर अब देखिए तो किसी तरह इस ड्रैगन्स ने काम कर दिया और मेरे को मिल गया 24 ट्रॉफीज 100%। तो 24 ट्रॉफीज के लिए आपको नहीं जाना है, आपको 30 प्लस ट्रॉफीज के बेस पे बोलना है। देखिए दोस्तों, अगर कोई भी अगर वो हो ना, कोई भी ट्रॉफी पुशिंग हो तो 30 प्लस बेस पे टैगे, एक अगर आपने 1 स्टार किया अनफॉर्चुनेटली तो आपको 10 मिल जाएगा, 2 स्टार किया 20 मिल जाएगा, 3 स्टार किया तो 30 मिल जाएगा। एक और ये आपको रिप्लाई दिखा देता हूँ, ये भी अच्छा रिप्ले था, ये मैंने 34 बेस पे किया था, इस पे 34 था और टाउन हॉल भी किनारे में था, 34 इस पे वो ट्रॉफीज था। मेरे को 2 रेज देने पड़ा क्योंकि ये सबका जो रेंज था ना, उसने मेरे ड्रैगन्स को लूंस को मार दिया, तो लूंस मेरे को भी 5 करना लेवल 5 का, लेकिन उससे पहले आर्चर्स करूँगा क्योंकि वो थोड़ा, या फिर लूंस ही लगा दूंगा। ये तो ख़त्म हो गया, तो ये रेड स्पेल की वजह से वो टूटा थोड़ा जाके। एक और रेड स्पेल इधर दिया है लगेगा, पता नहीं दिया होगा मैंने इधर भी। 4 कर देता हूँ, देखिए एक रेड स्पेल वहाँ दे दिया। तो ये सब ऐसे ठीक ही है, ठीक ठाक ही अटैक हुआ, ठीक ठाक या अच्छा अटैक हुआ यार, 85% तो सही है। किंग की एबिलिटी सही समय पर यूज़ की मैंने, सही समय पर नहीं शायद, अभी तक यूज़ नहीं की रहती तो अभी तक मरा गया। ये मैंने एंड बैटल कर दिया क्योंकि फिर वो उस दीवार को तोड़ता, फिर उसके बाद उस दीवार को तोड़ता तब तक मर जाता, बॉम्ब टावर भी था। तो दोस्तों मैं अगर बता रहा हूँ आपको, ये स्ट्रेटेजी यूज़ करिए, बहुत ख़तरनाक है, आप इससे अच्छे मतलब
मैंने बता दिया कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाइएगा। लेजेंड्स में पहुँच सकते हैं अगर आपने अच्छा से किया तो, और अगर आप ये स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, आप लेजेंड में पहुँच जाइएगा। तो अभी से थोड़ा लेजेंड में पहुँचना मुश्किल, क्योंकि 5 दिन बचा हुआ है। तो 1 घंटा में अगर आप अटैक करते हैं 5, तो आप तो डेफिनेटली अगर सिल्वर में हैं, गोल्ड में हैं, तो आपको मास्टर में पहुँचना ही पहुँचना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, कुछ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फ्री फायर के वीडियोस में बिजी था, इसलिए मैं अभी COC की वीडियोस नहीं डाल पा रहा था और COC खेल भी नहीं पा रहा था। तो अगर आपको कुछ इसमें गलत लगा है तो कमेंट करके बताइए, मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।